हेलो एवरीवन, मैं कितिका आप सबका स्काईलाइट एजुकेशन हब में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपना क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिसेस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ओके, ये कुछ नहीं होता, बस एक कोई भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसको, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं एरे। ओके, एरे क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है डाटा की, जिसमें क्या होता है, कॉलम होते हैं और रो होते हैं, और इसको कैपिटल ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ, मेरे को एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y - z = 5, x - 2y + 5z = 1। ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में मींस आपको रो बनाने हैं एंड कॉलम बनाना है। तो कुछ नहीं, जस्ट आप एक्स एक्स, अगर थ्री इक्वेशंस पे दी होंगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, तो टू इधर लिख देंगे, वन इधर, इस पे इनके जो कॉफिशियंट्स होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं जस्ट हम। तो एक्स के कॉफिशियंट्स इधर एक्स हो गया, ये इधर वाई हो गया, इधर जेड हो गया। तो कुछ नहीं होता, ये जस्ट टू वन सबके कॉफिशियंट लिख दे, इधर एक्स के कॉफिशियंट, इधर वाई के कॉफिशियंट, इधर जेड के कॉफिशियंट विद द साइन। साइन आपको बहुत मैटर करता है इसमें। और ये इसका इक्वल्स टू में आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके होते हैं, तो हम जो यूज करने वाले हैं वो ये वाला तरीका यूज करने वाले हैं। मोस्टली बुक्स में भी यही यूज किया होता है, बट आप इन तीन तरीकों से किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि ए क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है। तो ए जो होता है आपका एलिमेंट होता है, लाइक 1, 2, 3, जस्ट मैं बात करती हूँ 2, 3, -1, 1, 2, 5। तो ये जस्ट ए जो होता है आपका, कोई भी एलिमेंट, एनीवन, कोई भी एलिमेंट हो गया। आई जो होता है आपका फर्स्ट रो होता है, सबसे पहले मतलब रो लिखते हैं हम। जे जो होता है आपका कॉलम होता है। तो किसी भी एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इसी तरीके से होगी। आपको कैसे लिखेंगे इसको, ए आई जे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ तो ये आपकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए वन वन। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ तो ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो ये एलिमेंट जो हो गया आपका क्या हो गया, ए टू टू। सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ तो ये एलिमेंट कौन सा है आपका, फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो ये जो एलिमेंट हो गया आपका ए वन थ्री हो गया। तो इस तरीके से हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी भी मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल वैल्यू से डिनोट करते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, व्हाटएवर यू कैन राइट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो होता क्या है, ये ऑर्डर कुछ नहीं होता, जिस तरीके से हमने इसके एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की है उसी तरीके से हम इसका ऑर्डर भी लिखते हैं। ऑर्डर से मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको रो बताने होते हैं, उसके बाद आपको कॉलम बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें कितनी रोज है, 1, 2, 2 रोज है एंड कितने कॉलम्स है, 1, 2, 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 x 3। तो ये आपका ऑर्डर होता है। यही मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसमें m रोज हो या फिर n कॉलम हो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, और रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। i हो गई आपकी रोज हो गई, m रोज हो गई, j हो गई आपकी n कॉलम्स हो गए। अगर हम इसकी बात करते हैं 3, 5, 9, 7, 2, 10, तो कितनी रोज हैं इसमें, 1, 2 रोज हैं, 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है। तो ये फर्स्ट कितना हो गया, टोटल रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 x 3। सिमिलरली इसकी बात करते हैं हम तो ये कितनी रो है, 1, 2, 3 रोज है एंड 1, 2, 3 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 x 3। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम बात करते हैं कि जो आपके मैट्रिसेस होती हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो मैट्रिक्स आपकी बहुत टाइप की होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टाइप। सबसे पहली जो टाइप होती है आपकी रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स से मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसकी बात की, देखो सबका ऑर्डर एक होगा इसमें रो का, 1, 1।
तो जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम मैटर नहीं करेगा, सिर्फ रो मैटर करेगी, जिसमें सिर्फ एक रो हो दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल दिस। कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे सिमिलरली उसी तरीके से, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो यानी कि हर बार कॉलम का ऑर्डर कितना आएगा, सेकेंड वाला वन आएगा। देखो सब में ऑर्डर वन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा रो इसमें मैटर नहीं करेगी, कॉलम मैटर करेगा, सिर्फ कॉलम जो होगा आपका वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर की शेप क्या होती है, कुछ इस टाइप की, ये हमारी रेक्टेंगल की शेप होती है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल नहीं होती है इसमें, तो या तो लेंथ बड़ी होगी या ब्रेथ छोटी होगी, या ब्रेथ छोटी होगी लेंथ बड़ी होगी, ये कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा। तो ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है, जहां पर m और n दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं दोनों। जैसे एग्जांपल बात करते हैं हम इसकी, 1 4 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें कितनी रोज है आपकी, 1 2 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम से, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो आप देखते हैं ऑर्डर m क्रॉस n का दिया हुआ है, बट यहां पर ना तो m n एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स की बात करते हैं हम, 1 0 3 -2 10 80 8 दिया हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, एंड कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 3 क्रॉस 2 का इसका ऑर्डर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ही m और n जो है दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। ओके नेक्स्ट आप बात करते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो स्क्वेयर कैसा होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो मैट्रिक्स भी उसी टाइप की होती है जिसका m क्रॉस n का ऑर्डर हो, और जहां पर वैल्यू जो हो m और n की दोनों इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम है, सिमिलरली इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही आपकी मैट्रिक्स डिफाइन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स, देखो डायगोनल किस तरीके से होता है, अगर आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर का डायगोनल इस तरीके से होते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वेयर मैट्रिक्स की बात करी है, स्क्वेयर मैट्रिक्स दैट मीन्स क्या होना चाहिए, तो 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल जब ही तो बनता है आपकी, जब आपके पास कोई भी स्क्वेयर हो। ओके तो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स जो उसकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। जैसे ये हमारा डायगोनल में आएगा ये पार्ट, और इसके अलावा जो पार्ट बचा वो सारा क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा डायगोनल पार्ट है, इनको छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा वो सारा क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर एक सिंपली एक नंबर होता है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्केलर मतलब सिर्फ एक ही नंबर हो उस मैट्रिक्स में। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे फॉर्म की, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जहां पर ए आई जे जीरो होगा अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई जे के होगा हर बार अगर आई इक्वल्स टू जे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ आई जे, देखो आई जे जीरो है, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि 2 है, 1 1 है, ये 2 2 है, तो ये दोनों एंट्रीज क्या हो गई आपकी, के, यानी कि सेम वैल्यू हो गई, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो हो जाएंगी। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, कि डायगोनल में तो कुछ भी एंट्रीज हो सकती है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगी आपकी, सिर्फ एक ही वैल्यू दी होगी, अदरवाइज सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। कुछ इसी टाइप की यूनिट मैट्रिक्स भी है आपकी, बट यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस तरीके से ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है हमारी, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर जो भी हो सकती है, बट यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी क्या होंगी, सिर्फ 1 होंगी, अदरवाइज बाकी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो यूनिट मींस क्या होता है, 1, तो इस चीज से आप याद रख सकते हैं। आइडेंटिटी भी क्या होती है, मोस्टली 1 होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो यूनिट मैट्रिक्स होगी उसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होंगी, 1 होगी। ओके नेक्स्ट है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रायंगल कौन सा है, अपर, यानी कि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है, बाकी सारी जो एंट्रीज हो जाएंगी उसके नीचे। देखो यहां से यहां तक एक आपका ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इस तरीके से, बाकी जो एंट्रीज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो हो जाएंगी। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, अपर ट्रायंगल मीन्स ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे ट्रायंगल नहीं बन रहा, मतलब जीरो है ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज
जीरो अपर ट्रायंगुलर, सिमिलरली आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, लोअर मींस लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी जीरो हो जाएंगी. तो अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगल. लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल बनता है, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर ट्रायंगल बनता है. क्लियर है. नेक्स्ट है आपकी, नाम से ही पता चल रहा है आपका, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स. मतलब क्या, कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ जीरो होंगी. तो वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है आपकी, 2x2, 3x3, 2x3, 3x2, व्हाटएवर जो भी होंगी. तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है हम सिंपली लिख देते हैं जीरो. ओके, जितनी भी सभी वैल्यूज होंगी, जो भी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी हमारी क्या होंगी, जीरो. इस तरीके से आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है. कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, जिस कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर से मीन्स क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तभी आप उसमें कर सकते हैं. तो कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती है, दो मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है तो उनका ऑर्डर शुड बी सेम. उनका ऑर्डर सेम होगा तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगी. नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कहेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं कि दो नंबर इक्वल हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो दो नंबर इक्वल हैं? तो कुछ इसी तरीके से ही है कि दो मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई हैं तो वो जो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, एक तो जब उनका ऑर्डर सेम होगा. ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर, लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ किसी का ऑर्डर 2x3 दिया हुआ है लेकिन दूसरे का ऑर्डर 3x2 दिया हुआ है, तो ये इक्वल कैसे हो सकती है? इसमें तो रो और कॉलम ही इक्वल नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली बात कि उसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए. दूसरा, करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल. करस्पॉन्डिंग पोजिशन से मतलब क्या है कि अगर यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3, यहां पे 7 है 7, 8 8, 2 2, 1 1, 0 0. यानी कि अगर ए की वैल्यू 3 हो जाए, बी की वैल्यू 8 हो जाए और सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है. तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम और करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिक्स शुड बी इक्वल. क्लियर है. तो ये थे आपके मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को, उन सबको हम डिस्कस करेंगे. क्लियर है. थैंक यू गाइज़.